की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले परसेंटेज, और आज की क्लास के अंदर परसेंटेज का मैं बेसिक डिस्कस करूंगी बेटा, क्योंकि जो परसेंटेज है एक तरह से आप ये कह सकते हो कि पूरे का पूरा अर्थमेटिक हमारा परसेंटेज के अंदर आ जाता है। अब जैसे रेशियो क्या, रेशियो के अंदर भी परसेंटेज के क्वेश्चन आ रहे थे जैसे हमने देखा है ना, इसी तरह से आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो हरेक के अंदर कुछ परसेंटेज का कंसेप्ट आ जाता है, हरेक के अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाता है परसेंटेज का। तो परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है सभी के लिए। तो अभी आज कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, तो सभी ने ध्यान से क्लास के अंदर समझना है एक एक पॉइंट को। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले नाम से ही जैसे हमें पता चल रहा है यहां पे परसेंटेज, परसेंटेज मीन्स क्या हो गया, पर सेंटेज, सेंट मीन्स 100, मीन्स किसी भी वैल्यू का 100 में से होना, 100 में से होना। ओके, 100 में से होना, तो उसको क्या कहेंगे हम, परसेंटेज। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं 20%, व्हाट डज इट मीन 20%, किसी भी वैल्यू का 100 में से होना। तो अगर मैं 20% कह रही हूं, दैट मीन्स 20 आउट ऑफ 100। ओके, और इफ आई से, इफ आई से कि आई हैव 20% मार्क्स, मैं कह रही हूँ मेरे 20% मार्क्स आए हैं, एंड इसका मीनिंग क्या हो गया कि भाई मेरे 100 में से 20 मार्क्स आए हैं, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि मेरा पेपर 500 का है टोटल, तो मेरे 20% कितने हुए भाई, 20 आउट ऑफ 100। अगर मेरा ये 500 का है तो ये कितना हो जाएगा सीधा सीधा, दैट मीन्स कि मेरे 100 नंबर आए। पॉइंट इज क्लियर। तो दिस इज परसेंटेज, परसेंटेज को मेंशन कैसे करेंगे, दिस इज द सिंबल फॉर परसेंटेज। कहीं भी अगर आपको परसेंटेज का साइन दिखाई देता है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तो सीधा क्या करेंगे, दिस इज 20/100। ओके, किसी भी वैल्यू का मैंने फाइंड आउट करना। अब जैसे मैंने यही कहा कि भाई 20% आउट ऑफ 500, दैट मींस 20%, परसेंट मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ, अगर ये कह रहा है कि जी अगर मेरे टोटल 500 है तो 500 में से कितने मार्क्स आए, तो मैंने क्या करना है, इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ गया आपके पास में 100, यही तो वैल्यू आई है हमारे पास। ओके, कितना आ गया आपके पास में, 100 आ गया, सिंपल। दिस इज परसेंटेज, कुछ नहीं है परसेंटेज के अंदर, बट डरते बहुत है स्टूडेंट्स के माइंड में ना, फियर होता है परसेंटेज का, यार एक क्वेश्चन आ गया और इसके अंदर तो 3-4 जगह पे परसेंटेज का सिंबल दिख गया, तो डिफिकल्ट है। नहीं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब आज के क्लास के अंदर हम देखेंगे कि परसेंटेज के क्वेश्चन कैसे इजिली आप कर पाओगे, ठीक है। तो कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया। अब अगर मान लीजिए मेरे पास में कोई वैल्यू परसेंटेज के अंदर है और मैंने उसको कन्वर्ट करना है बेटा फ्रैक्शन के अंदर, देन हाउ विल यू कन्वर्ट, जस्ट डिवाइड बाई 100। इफ आई हैव 20%, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू व्हाट, 20/100, कितना है इसका मीनिंग, 20/100, दैट मीन्स अगर मैं इसको कैंसिल आउट करती हूँ तो मेरे पास में वैल्यू क्या बन गई, 1/5, दिस इज 1/5। सो फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 20% इज इक्वल टू 1/5। अगर मेरे पास में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज 20% ऑफ 800, अभी क्या मतलब है इसका, दैट मीन्स कि 1/5 ऑफ, इसका मीनिंग ये 20% का मीनिंग क्या होता है, 1/5, दैट मीन्स कि 800 का 1/5, सिंपल सा। ओके, दैट मीन्स दिस इज 160। ओके, यस, हाँ जी विनोद, वॉल्यूम का इश्यू आ रहा है बेटा, आवाज आ रही है सभी को प्रॉपरली, हाँ जी अभी मैसेज आया है विनोद का कि वॉल्यूम का इश्यू आ रहा है, हाँ जी बेटा सभी को क्लियर आवाज आ रही है मेरी, एम आई ऑडिबल, तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट क्या है अपने पास में पॉइंट, जैसे 25% है, तो 25% का मीनिंग क्या हो गया, 25%, दैट मींस 20/100, 25/100, दैट मींस 1/4। सो फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 1/4 इज, सॉरी 25% इज 1/4। या अगर मुझे कहीं पे दिखाई दे रहा है
कि मेरे पास में 1/4 वैल्यू गिवन है, तो मैं क्या कह सकती हूँ उसको, दिस इज 25%। क्या कहेंगे, दिस इज 25%। ओके, तो जरूर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्या कर सकते हो आपकी, हाँ जी जहां पे मुझे 25% लिखना है और तो मैं उसको 1/4 को 25% के अंदर कन्वर्ट कर लूंगी। इफ द रिक्वायरमेंट इज इन फ्रैक्शन देन 25% को मैं 1/4 लिख सकती हूँ। ओके, अब उसके बाद में सेम वे यहीं पे अपने पास में एक पॉइंट आ रहा है, क्या 16:2/3%, 16:2/3%। तो 16:2/3% कितना होता है जल्दी से बताएंगे मुझे, 16:2/3% कितना रहेगा फिर, सिंपल सा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, देखिए क्या होगा, 48 and 50, दिस इज 50/3। एंड व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज, परसेंटेज मींस डिवाइडेड बाय 100। ओके, कितना हो गया आपके पास में, दिस इज 1/6। बट अगर मुझे फ्रैक्शनल वैल्यूज लर्न है तो उस केस के अंदर क्या हो जाता है कि ये जो कुछ स्टेप्स हैं ये हमारे बच जाते हैं एग्जाम के अंदर, इन स्टेप्स की हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, डायरेक्टली उस पर्टिकुलर वैल्यू को यूज कर सकते हो, देयर इज नो नीड टू राइट डाउन दीज स्टेप्स। ओके, सेम वे इफ आई हैव ए वैल्यू 14:2/7%, देन 14:2/7% इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 1/7, कितना होता है 1/7। तो ये वैल्यूज सभी को लर्न करनी है बेटा, सभी को ये वैल्यूज लर्न करनी है, कहाँ तक, जो जो भी इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन, जो परसेंटेज है जो रिपीटेडली आ जाती हैं, जो रिपीटेडली पूछी जाती है, तो उनकी सभी की आपको लर्न होनी चाहिए। ओके, अब इसी तरह से अगर मान लीजिए मेरे पास में एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, मेरे क्वेश्चन मैंने पूरे का पूरा सॉल्व कर लिया, आफ्टर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन आई गेट 1/2, फॉर एग्जाम्पल आई गेट 1/2 एंड माई क्वेश्चन इज इन परसेंटेज, परसेंटेज में वैल्यू क्या रहेगी, तो हम क्या कहेंगे, 1/2 मींस व्हाट, दिस इज 50%। तो अगर किसी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वी हैव द फ्रैक्शनल वैल्यू एंड आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, इन दैट केस क्या करेंगे हम, वी विल मल्टीप्लाई बाय 100। देखो तभी आया ना बेटा 50%, ये हमने क्या लिखा था 50%, कैसे बना, यस मल्टीप्लाई बाय 100 मींस व्हाट, अगर आपके पास में, हाँ जी छोटा सा पॉइंट सभी के सभी ध्यान रखेंगे, अगर मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है, इन दैट केस क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय 100। ओके, अगर मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, देन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। पॉइंट क्लियर है। अब जैसे यहां पे हमारे पास में क्या है, फ्रैक्शन है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, देन यू विल मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, दिस इज 50%, और ये वाली वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए, इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है, सभी को लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो हाफ मींस क्या हो गया, 50%। ओके, सेम वे 1/4 कितना हो गया फिर, 25%। 1/7 अभी हमने वैल्यू की थी लास्ट के अंदर, कितनी थी आपके पास, 14:2/7%। सेम वे 2/5 कितना होगा, 2/5, अब हमें पता है 1/5 कितना था बेटा, 1/5 इज इक्वल टू 20%, दिस इज इक्वल टू 20%, तो 2/5 कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/5 के लिए कितना हो जाएगा फिर, दिस इज 40%, कितना हो गया 40%। कोई डाउट इसके अंदर, यहां तक किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो। अब जो वैल्यूज आपको लर्न करनी है, ये एक चार्ट है, एक तरह से इस टेबल को आपको पूरी को लर्न करना है, जैसे हम टेबल्स लर्न करते हैं ना बेटा, 2 से लेके 20 तक सबकी टेबल लर्न होनी चाहिए, सेम वे आपका ये जो फ्रैक्शनल चार्ट है ये भी सभी को याद होना चाहिए। कैसे याद करोगे, तरीका बता देती हूँ, सिर्फ 1 से शुरू हो जाओ, स्टार्टिंग करो बाय 1 से, हमेशा ध्यान रखो 1 इज इक्वल टू व्हाट, यस 1 इज इक्वल टू 100%,
कैसे याद करेंगे, वन से लिखना शुरू करो, वन इज इक्वल टू 100%, ठीक है, देन करो वन बाई टू, देन वन बाई टू इज इक्वल टू दिस इज 50%, देन वन बाई थ्री इज इक्वल टू 33:1/3%, 1/4 इज इक्वल टू 25%, ऐसे लर्न करेंगे सभी, 1/5 इज इक्वल टू 20%, रट्टा नहीं लगाना, जस्ट क्या करेंगे, दो तीन बार राइट डाउन करेंगे, आपको लर्न हो जाएगा, ओके? सो इसी तरह से ये सभी की सभी वैल्यूज आपने करने, 1/2 50%, 1/3, अभी मेरे साथ साथ में रिवाइज करोगे तो आधा तो अभी आप लोगों को लर्न हो जाएगा, ठीक है, 1/5 20%, 1/6 इज इक्वल टू 16:2/3%, 1/7 14:2/7%, 1/8 12:1/2%, 1/9 इज इक्वल टू 11:1/9%, 1/12 इज इक्वल टू 8:1/3%, 1/13 7:9/13%, 1/14 7:1/7%, 1/15 6:2/3%, 1/20 this is 5%, then 1/25 4%, 1/30 3:1/3%, 1/40 2:1/2%, 1/50 2%, and 1/100 is equal to 1%. Okay, and one more thing, each and every number is 100% in itself. हर कोई अपने आप में क्या है, 100% है, ओके?